वरदान लुटाने वाले सद् ज्ञान सब भेद ये खोलती है चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए वरदान लुटाने वाले सद सुनाने वाले के क्यों न भाग्य भला भगवान जो चमकाए वरदान लुटान वाले सद सुनाने वाले वरदान लुटान वाले सद सुनाने वाले आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए वरदान लुटान वाले सद सुनाने वाले वरदान लुटान वाले सद सुनाने वाले वरदान लुटान वाले सदज्ञान सुनाने वाले वरदान लुटान वाले सदज्ञान सुनाने वाले ओम शांति ब्राह्मण जीवन योगी जीवन है पवित्र जीवन है ब्राह्मण जीवन ऐसे है जैसे तलवार की धार पर चलना क्योंकि यदि कोई भी मर्यादा भंग होती है चाहे कर्मों से चाहे वाणी से चाहे संकल्पों से चाहे दृष्टि से चाहे वृत्ति से चाहे स्मृति से परंतु उस समय ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाता ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता है तो इसलिए हर कदम स्वयं पर अटेंशन रखना बाबा ने जो हमें विभिन्न परहेज सिखाए हैं मर्यादाएं बताई हैं। उन नियमों पर उन मर्यादाओं पर पूरा पूरा चलना श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर चलना ये सहज कार्य नहीं है परंतु यदि बाबा साथ है दिल सच्चा है साफ है तो यही कठिन कार्य सहज है परंतु जरा भी श्रीमत में मनमत परमत जनमत आ जाती है तो सहज कार्य डिफिकल्ट हो जाता है समीप आई हुई मंजिल भी दूर हो जाती है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है परहेज रखनी है आज की मुरली बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें बता रही है हमें सच्चा ब्राह्मण बना रही है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य आज है बाईस तारीख बाईस जुलाई 2024 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। देही अभिमानी बनो। क्या बनना है देही अभिमानी तो शीतल हो जाएंगे विकारों की जो गर्मी है ना देह भान की जो गर्मी है वो आत्मा से विकर्म कराती है ना अंतर आत्मा में शीतलता आने नहीं देती तपत अंदर और गहरी करती जाती है परंतु जिस पल मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ देह की मालिक दे ही हूं और कौन सी आत्मा हूं शुद्ध शांत पवित्र सुखदाई, सर्वशक्तिमान पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो ये जो देही अभिमानी स्थिति है ये आत्मा को शीतल करती है तो देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे विकारों की बास निकल जाएगी जैसे बॉडी होती है ना बहुत ज्यादा बॉडीली वर्क करते हैं ना वर्कआउट्स करते हैं लोग तो फिर स्मेल आती है बॉडी की बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर काम करते हैं परंतु तो यदि बहुत ज्यादा सोल कॉन्शियस आकर में आकर काम करते हैं तो आत्मा की रूहानी खुशबू आती है और देह की बास निकल जाती है और अंतर्मुखी हो जाएंगे फूल बन जाएंगे बस एक ही काम करना है देही अभिमानी बनना है प्रश्न है बाप दादा सभी बच्चों को कौन से दो वरदान देते हैं उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है वरदान तो रोज देते हैं पर विशेष आज की के मुरली के अनुसार उत्तर है बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं बाबा कहते बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं यही कंप्लेंट होती है ना कि हम तो शांत रहते हैं परंतु पर सामने वाला रहने नहीं देता तो बाबा बताते हैं कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो तुम्हें शांत रहना है फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है किसी को भी दुख नहीं देना है मुख में शांति का मुहलरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे कौन से शांति और सुख के वरदान है ना ओम शांति मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं कभी दूर चले जाते हैं सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है गाया जाता है ना नजर से निहाल आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है तो वो क्या करती है तो अपनी तरफ खींचती है कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है ऐसे बाप की निंदा कराते हैं तो जिस पल बाबा को भूलते हैं विकर्म विनाश नहीं होते हैं माया चांस लेती है और विकर्म करा देती है फिर बाबा की निंदा कराते हैं तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा मेरे तो एक आप दूसरा न कोई तब बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है है ना काम करते हुए बाप को याद करना कर रहे हैं काम याद बाबा को करना यह है ऊंचते ऊंच मंजिल इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने पर अटेंशन देना पड़ता है थोड़ी देर के लिए काम करते हाँ बाबा करा रहा है मुझसे फिर फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या होगा फिर टोटली कर्म कॉन्शियस व्यक्ति कॉन्शियस उस बात कॉन्शियस हो जाएंगे और बाबा भूल जाएगा तो अटेंशन देकर प्रैक्टिस करनी होती है नहीं तो निंदक बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले समझो कोई में क्रोध आया आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है ऐसा नहीं है नहीं कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं बाप कहते हैं ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा ना सके इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे पांच विकारों की बातें सब निकल जाएंगी बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी कामकाज भी करना है बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो ऐसे नहीं कहते वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे कल में जो कर्म होते हैं वह विकर्म हो जाते हैं अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है वहाँ सीखने की बात नहीं यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी बाप बच्चों को समझाते हैं क्या बाहर मुखता अच्छी नहीं है अंतर मुखी भावा वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा तुम आए भी ऐसे थे जब ऊपर से आए थे तो कुछ भी याद नहीं था ब्लैंक थे ऐसे ही ऊपर जाना है कोई की याद नहीं थी गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि यह हमारे माँ बाप हैं यह फलाना है तो फिर अब जाना भी ऐसे है ऊपर जाना भी ऐसे ही है बिल्कुल किसी की भी याद ना रहे हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद न आए भल टाइम पड़ा है परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं कोशिश करते रहना चाहिए घर में भी बहुत शांति हो कलेश नहीं नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत याद रखना है मैं कौन हूँ मेरा स्वधर्म क्या है मेरा स्वदेश कौन सा है मेरा पिता कौन है तो याद रहेगा कि मुझे रहना है शांत तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना सब ले रहे हैं शांति का वर्षा अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में फूलों के बीच में नहीं हो कलयुग चल रहा है चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं कांटों के बीच रह, फूल बनना है यही चैलेंज है चारों तरफ कांटे हैं, सभी लोग दुख देंगे या शांति फैलाएंगे गुस्सा करेंगे आपको क्या करना है उनके जैसे नहीं बनना है कांटों का कांटा नहीं बनना है जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे कोई उल्टा सुल्टा बोले तो क्या करेंगे हुँ? सपोज कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम शांति में रहो आत्मा है ही शांत आत्मा का स्वधर्म है शांत तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है हमारा घर कौन सा है शांति धाम वहीं जाना है बाप भी है शांति का सागर कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है बनना है ना सबको फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इससे तुम बाप की निंदा कराते हो शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे अशांत न खुद हो न औरों को करो किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं बाबा यह घर में आते हैं तो धमचक्र मचा देते हैं बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि घर वाले ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं इतना गुस्सा करते हैं तम चक्र मचाते हैं बच्चे ऐसे हैं पति ऐसा है बाबा कहते ठीक है वो ऐसे हैं परंतु तुम क्या करो तुम्हें याद है अपना स्वधर्म उनके जैसा बन नहीं जाना है तो बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो हाथमताई की कहानी भी है ना क्या करते थे हा तुम तो उनको कहा तुम मुख में मुहल्ला डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं बोल नहीं सकेंगे तो मुख में मुहल्ला डाल देते थे तुम बच्चों को शांति में रहना है मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं अपने भविष्य मरतबे को भी याद करो वहां होता ही है एक धर्म दूसरा कोई धर्म होता नहीं उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं अभी कितनी शांति रहती है समझते हो हमारा घर वही है हमारा स्वधर्म है शांत ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है नहीं किसका आत्मा का स्वधर्म शरीर विनाशी चीज है आत्मा अविनाशी चीज है जितना समय आत्माएं वहाँ रहती हैं तो कितना शांति रहती है है ना? वहाँ रहती है तो आत्मा शांत है तो जितना समय आत्माएं वहाँ रहती हैं तो कितना शांत रहती हैं यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है इसलिए शांति मांगते रहते हैं परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे यह तो हो ना सके भल तिरसठ जन्म वहां रहते हैं फिर भी आना जरूर पड़ेगा है ना आना तो जरूर पड़ेगा अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है है ना ड्रामा को बुद्धि में रखो अभी हम कौन सी स्थिति में है फिर कहाँ जाना है तो जहाँ जाना है जहाँ रहना है उस अनुसार अपना स्वरूप बनाओ तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं किसके ब्रह्मा बाबा के इनका मुख कान के नजदीक है तुम्हारा फिर इतना दूर है यह झट सुन लेते हैं सब बातें समझ सकते हैं बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मीठे मीठे तो सबको कहते हैं क्योंकि बच्चे तो सब हैं जो भी जीवात्माएं हैं वह सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं शरीर तो विनाशी हैं बाप अविनाशी है बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज कौन सुनाते हैं सुप्रीम रूह किसको सुनाते हैं रूहों को जो ज्ञान सुनाते हैं वो भी रूहों के लिए है तो ये ज्ञान है रूहानी सुप्रीम रूह रुख बैठ रूहों को समझाते हैं बाप का प्यार तो है ही जो भी सब रूहें हैं भल तमु प्रधान है जानते हैं यह सब जब घर में थे तो सतु प्रधान थे सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूं वर देने की बात नहीं है ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुष्वान भव नहीं सतयुग में तुम ऐसे थे परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है बाप बाप भी है टीचर भी है यही बात याद करनी है ओहो शिव बाबा बाप भी है टीचर भी है ज्ञान का सागर भी है बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो हुँ? यह सारा ऑलराउंड चक्र है ना बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है रावण सिर्फ लंका में नहीं है यह है बेहद की लंका चारों तरफ पानी है सारी लंका रावण की थी हम्म ऐसा बताते हैं ना अब फिर राम की बनती है यहां बातें हद की नहीं है बेहद की है लंका तो सोने की थी वहां सोना बहुत होता है एक मिसाल भी बताते हैं ध्यान में गया कहा सोना बहुत होता है स्वर्ग में तो उसका मिसाल बाबा बताते हैं कि ध्यान में गया वहां एक सोने की ईंट देखी जैसे यहाँ मिट्टी की है वहां सोने की होगी तो ख्याल किया सोना ले जाए कैसे कैसे नाटक बनाए फिर यहाँ आया तो सब गायब ध्यान था ना वो तो भारत तो नामी ग्रामी है और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके चलो बच्चे अब घर जाना है चले आत्माएं पतित हैं पावन होने बगैर घर नहीं जा सकती हम्म घर जा नहीं सकती ना पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है इसलिए सब यहां ही है वापस कोई भी जा नहीं सकते लॉ नहीं कहता बाप कहते हैं बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से देह अभिमान में लाएगी बाप को याद करने नहीं देगी तुमको खबरदार रहना है इस पर ही युद्ध है आँखें बड़ा धोखा देती हैं इन आंखों को कब्जे में यानी अधिकार में रखना है यानी कंट्रोल में रखना है देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं ने किस कारण से कहते हैं कि भाई भाई हैं बुद्धि से नहीं समझते बस बोलने के लिए कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई परंतु यह आत्मा की बात है जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते रहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे माशुक को याद करते थे दुख में झट उनको याद करते हैं हाय राम हे भगवान रहम करो स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे वहां रावण राज्य ही नहीं होता है तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए जाना है ना राम राज्य में तो बाबा को फॉलो करना है बाबा की श्रीमत पर चलना है अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत फिर मिलेगी दैवी मत इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं क्योंकि तो सबको बताया हुआ है कलयुग अजुन छोटा बच्चा है लाखों वर्ष पड़े हैं तो ये बाबा के टाइम की बातें हैं अभी तो बहुत सारे ज्योतिषी भी यही मान रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है बाबा कहते यह है भक्ति का घोर अंधियारा ज्ञान है सोचरा अनुसार भक्ति की भी नूंद है यह फिर भी होगी अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके सभी कहेंगे हम भगवान के पास जा रहे हैं बाबा के पास जा रहे हैं तो दुनिया वाले तो नहीं समझेंगे ना इस बात को तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो माया एकदम हप कर लेती है तो माया किनको हप करती है जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता खुद पर निश्चय बाबा पे निश्चय ड्रामा पे निश्चय परिवार पर निश्चय तो चारों में से एक भी पिलर कमजोर है तो फिर माया गिरा देती है एकदम गज को ग्रह हप कर लेता है फिर तो उनके लिए बाबा क्या कहते हैं आश्चर्यवत सुनती कथंती पुराने तो चले गए उनका भी गायन है अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है बाबा को लिखते हैं क्या बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो अरे यह हमारी थोड़ी है बाबा को लेटर पर लिखते हैं बच्चे कि बाबा अपनी माया को नहीं भेजो तो बाबा कहते हैं मेरी नहीं है रावण अपना राज्य करते हैं हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं यह परंपरा से चला आता है रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जानते हैं रावण दुश्मन है इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं समझते कुछ नहीं रावण कौन है किसको जलाते हैं समझते नहीं है तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना याद रखना आज का टाइटल हम सभी कौन है शिव शक्ति सेना उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है ना राम की बात हो रही है रावण की बात हो रही है तो सेना कौन सी है शिव शक्ति परंतु बाबा कहते हैं उन्होंने फिर बंदर सेना दिखा है राम के साथ तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे हमारे में भी पांचो विकार थे अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं इस पर कथाएं भी अनेक बना दी हैं अमर कथा भी कहते हैं बाबा से हम शक्ति ले रहे हैं ज्ञान ले रहे हैं तो इस पर बहुत सारी कथाएं हैं अमर कथा कहते हैं तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं क्या सुन रहे हैं सभी सभी कौन है पार्वतिया और अमरनाथ शिव बाबा हमको ये अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए तो बाबा कहते हैं बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते जैसे दिखाते हैं ऊपर कैलाश पर्वत पर कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं दोनों को मिला दिया है दोनों को अलग अलग चित्र देते हैं परंतु फिर मिक्स कर देते हैं ये सब है भक्ति मार्ग दिन प्रतिदिन सब तमु प्रधान होते गए हैं सतु प्रधान से सतु होते हैं तो दो कला कम होती है त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है तीर कमान दिखाते हैं ना तुम सब क्षत्रिय हो ना जो माया पर जीत पाते हो कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है, है ना तो हमें लड़ाई करते करते अंत में विजयी बनना है ऐसा नहीं लड़ते लड़ते ही मर जाना है नहीं विजयी बनकर जाना है तो इसलिए चंद्रवंशी नहीं सूर्यवंशी बनना है इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं वो निशानी है इसका मतलब ये नहीं वहाँ कोई युद्ध होता है हिंसा नहीं होती गायन भी है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है बसे नगरी जिये राजा धर्म का उपकार है परंतु यह क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं यह हथियार आदि होते नहीं शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं समझते कुछ भी नहीं है तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो ना सके इक्कीस जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं तो लवली बाप ठहराना कितना लवली है बाप जो तुमको सब दुख दूर कर देते हैं ना जो हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं ऐसा लवली बाप है कोई तो वह कहते हैं जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं सुख का वर्षा मिल जाता है वहां दुख का नाम निशान भी नहीं होता अभी यह बुद्धि में रहना चाहिए ना यह भूलना नहीं चाहिए कितना सहज है सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं मैं तुमको रोज रोज समझाता हूं सिर्फ अल्फ को याद करो यह ज्ञान तो सात रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए परंतु बच्चे भूल जाते हैं बाबा तो वंडर खाते हैं अच्छा मीठे-मीठे सर से एबल आ गया कई बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद आता है गुड मॉर्निंग hmm. रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है माया से खबरदार रहना है आंखें धोखा देती हैं इन्हें अपने अधिकार में रह रखना है तो जो धोखा देता है उसको खास कंट्रोल में रखना होता है इसलिए ध्यान देना है दूसरा फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करते हैं इसलिए जितना हो सके शांत रहना है मुख में मुहलरा डाल देना है ना कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है न खुद अशांत होना है न किसी को अशांत करना है याद रखना है मेरा स्वधर्म क्या है मेरे पिता कौन है मेरा घर कहाँ है ना तो याद रहेगा तो कभी अशांत न रहेंगे न अशांति फैलाएंगे वरदान है बाप की मदद से सूली को काटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भावा पिछला हिसाब सूली है यानी पूर्व जन्मों में जो हमने विकर्म किए हैं उस अनुसार सूली की सजा बड़ी सजा है हमारी लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है परिस्थितियां आनी जरूर है क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है लेकिन बाप की मदद से उन्हें कांटा बना देती है अगर आप बाबा की मदद लेते हो तो परिस्थितियां कांटा बन जाते यानी बहुत उसका जो प्रभाव है उस एक्शन का जो रिएक्शन होना है उस विकर्म का जो बुरा फल मिलना है वो थोड़ा हो जाता है तो बाबा ने कहा क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुक करना है लेकिन बाप की मदद उन्हें काटा बना देती है बड़ी बात को छोटा बना देती है क्योंकि बड़ा बाप साथ है इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर क्या करना है मेरे को तेरे में बदली करना है हल्के हो जाओ तो सब बोझ एक सेकेंड में समाप्त हो जाएंगे सहज तरीका है बाबा की मदद लो और जिसको कह रहे हो कि मुझे करना है मेरा काम है जिसके कारण मन भारी हो रहा है वो सारे बोझ बाबा को दे दो ट्रस्टी बन जाओ स्लोगन है शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो चाहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना परंतु तो उसके लिए क्या चाहिए अंदर शुभ भावना अगर शुभ भावना नहीं है तो नेगेटिव को और नेगेटिव बना देते हैं पॉजिटिव तो बनाना बहुत दूर हो जाता है इसलिए सबसे पहले अंदर शुभ भावना का जो स्टॉक है उसे भरपूर करना है तो आज का व्यक्ति इशारा सुनते हैं जो परोपकार की भावना से संपन्न है वह सदा निशानी क्या उसकी वह सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व को भी संतुष्ट करने वाला होगा खुद भी अंदर से फुल है कुछ नहीं चाहिए और दूसरों को भी संतुष्ट करेगा कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा कर देगा जो व्यक्ति निराशा में है उनमें भी आशा की किरण जगा देगा जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा देगा तो ऐसा परोपकारी ऐसा संतुष्ट मणि बनना है अच्छा ओम शांति कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है सोचो तुमको कान मिला है कान तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ते हैं एक किरण अनदेखी किरण अनदेखी आती राह दिखा कर जाती है भरते हुए ना किसी ने देखा पर झो है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है प्यार मिला एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला ऐसी करुणा ऐसी ममता ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है प्यार में प्रभु के दिल खो जाता आँख सजल हो जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है सोचो तुमको कौन मिला है कौन तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती